खाना जो है हमने क्रॉस कर लिया है और अब माजेंगा की तरफ रवाना है। अराउंड 252 किलोमीटर शो हो रहा है यहाँ पे साइन बोर्ड में, और होपफुली 5 से 6 घंटे में इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। होटल अंजारी में हमारी बुकिंग हो गई है, तो वहीं पर इंशाल्लाह स्टे करेंगे। मेरे पीछे हसनैन और इमरान आ रहे हैं। यहाँ जो है मौसम काफ़ी गर्म है, मेरा एसी फ़िलहाल काम नहीं कर रहा है। सुना है रास्ते थोड़े ख़राब हैं, इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और आपको जो है यहाँ से मैं वतना से जो है माजंगा का जो सफ़र है वो दिखाते हैं आपको, इन्जॉय करें आप। असल में जो असल जो व्यूज़ थे वो अंतना नरीवो से मैं वतना के थे, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली रात में पहुँचे तो वो मैं कवर नहीं कर सका। इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम वापसी में अगर पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह वो कवर करेंगे। बस अभी जो है वो मैं वतना से माजंगा के सफ़र आप इंजॉय करें। ब्रिज में हम जो है वेट कर रहे हैं कमियों के निकलने का, कंटेनर के, ट्रक के निकलने का, फिर हम जो है यहाँ पे एंटर होंगे। अक्टूबर का महीना आ चुका है, गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं मडागास्कर में और आम आना शुरू हो गए हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे आम के दरख्त। हम जिस विलेज से गुज़र रहे हैं यहाँ पर लोग आपको नज़र आएंगे आम और कीरियाँ बेचते हुए, क्योंकि यहाँ पे आम के दरख्त बहुत पाए जाते हैं। माजंगा के रास्ते में एक मशहूर हैंगिंग ब्रिज आता है जिसका नाम है कामोरो ब्रिज, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये काफ़ी लंबा ब्रिज है और काफ़ी फेमस भी है। तना से मैवतना के रास्ते इतने ख़राब नहीं थे जितने मैवतना से माजंगा की तरफ रास्ते ख़राब हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रोड की सूरत हाल, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा टाइम लग रहा है माजंगा पहुंचने में। माजंगा के रास्ते में एक नेशनल पार्क आता है, आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, पार्क नेशनल अंकारा पंछी का। तो यहाँ पे हमको जो है इत्तेफाक से माकी नज़र आ गए, तो हमने गाड़ी रोकी थोड़ा सा रेस्ट भी कर लें और बच्चे जो है वो माकी के साथ थोड़ा सा एंजॉय भी कर लें। माकी आपने अंदासी भी वाले व्लॉग में देखे होंगे, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो बस यहाँ देखें सब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर माकी के साथ। एक टीम में तीन है, एक टीम में तीन है। हाँ देख रहे हैं पत्ते खाते हैं इसके से खाते हैं ऊपर इधर है ना।
अभी इंशाल्लाह 125 किलोमीटर्स रह गए तकरीबन माजंगा के लिए, अल्लाह करे खैर से पहुँच जाए। रास्ते ख़राब है, इतने नहीं है जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बस वहाँ पे होटल की बुकिंग हो गई है, इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। और आज रात का तो बीच पे नहीं हो सकेगा, कल इंशाल्लाह होपफुली बीच पे जाएंगे। ये 20,000 आ रही कि मार फटी जाएगा मन मला कला मिस बतो क्रोकोडाइल ये जाए वा मंदी मंदवाना ये फटाल ला ये माशा कुला फाल दो ये जियो दे हाला रत नफा रफा आनम देंदी फॉर यू होपरी न्यू ना होय अंडा सु इंटरव्यू हां तेले ये टॉप बॉडी कब ऊपर आम भी है। रास्ते में हमको एक लेक नज़र आया, तो हमने सोचा यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ हवा भी बड़ी ज़बरदस्त है और व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त है। हमको फ़ोटोज़ वगैरह लेनी थी, तो हमने सोचा इससे अच्छी जगह और क्या होगी। इमरान को आप देख सकते हैं, बिल्कुल पानी के पास ही पहुँच गए हैं। किलोमीटर्स हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स में इंशाल्लाह हम जो है वो माजंगा में होंगे। वेदर जो है वो अब थोड़ा बेहतर हो गया है, होपफुली एक घंटे में इंशाल्लाह हम जो है वो माजंगा की होटल तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। जो है वो होटल अंजारी पहुंच चुके हैं, रूम्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है यहाँ पर, तो फ्रेश हो गया हूँ, काफ़ी थकन हो गई थी, ज़ाहिर है लंबा सफ़र था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से माजंगा पहुंच गए हैं। सामान भी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर सेट हो गया है, तो हम अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह खाना खाने, और वहाँ से फिर हमारा प्रोग्राम है कि बुलेवार यहाँ का एक रास्ता है जो समंदर से कनेक्टेड है, तो वहाँ पर इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे। हमारी होटल के पास ही एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट ज़ारा, जिसमें हम अभी आए हैं खाना खाने के लिए। इतने थक गए थे और इतनी सख्त भूख लग रही थी कि मैं खाने की फ़ोटोज़ और वीडियोस नहीं ले सका, बस एक पिज़्ज़ा की फ़ोटो मैंने ले ली थी जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है माजंगा का मशहूर बुलेवार का रास्ता, जहाँ पे लोग उमूमन रात में आके बैठते हैं और थोड़ी हवा एंजॉय करते हैं, क्योंकि माजंगा में काफ़ी गर्मी होती है, तो रात में क्योंकि ये समंदर के किनारे है तो यहाँ पे जो है ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, तो लोग उमूमन रात को यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, इस वक्त सुबह के जो है वो 5 बज रहे हैं और हम इधर आए हुए हैं
माजंगा की मस्जिद में ताकि नमाज फजर पढ़ ली जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नमाज़ पढ़ी और अब आपको थोड़ा सा जो है वो मस्जिद दिखाता हूँ मैं यहाँ की। ये जो है वो माजुंगा जमात का जो है मुसाफिर खाना है और यहाँ पे जो है वो है मस्जिद और इसके आगे जो है वो है इमाम बरगाह। हमारी होटल जो है वो जहाँ मेरे फादर खड़े हैं अंजारी होटल वहीं पर ही है, बिल्कुल करीब है मस्जिद से भी। सुबह के जो है तकरीबन 5:15 हो रहे हैं, अब दोबारा होटल में जा रहे हैं थोड़ा सो जाएं, फिर सुबह जो है वो बीच के ऊपर दोबारा इंशाल्लाह से जाना है। A few moments later, हमारी बेल्कनी से जो है सामने जो है वो समंदर नज़र आ रहा है। नौ बज चुके हैं, हमारी सुबह हो गई है, बस यही प्रोग्राम है कि अब अभी जाएं नाश्ता करें, कोई रेस्टोरेंट वगैरह नीचे देखेंगे और फिर वहीं से निकलेंगे ग्राम पावा जो यहाँ का एक अच्छा बीच है, तो हम उसी बीच पर इंशाल्लाह जाएंगे। हमारी होटल से निकलते हुए ही सामने एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है आबाद, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ नाश्ता ही मिलता है, तो हमने सोचा इधर ही नाश्ता कर लिया जाए। इसको एक प्रॉपर रेस्टोरेंट तो शायद ना कह सकें, एक बेकरी कह सकते हैं आप इसको, जहाँ पे सैंडविचेस, केक, पेस्ट्रीज़ ये सब अवेलेबल होता है। इसके अलावा क्रोसों, पैन शोकोला ये सब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही अवेलेबल है यहाँ पर। इसके अलावा ऑमलेट और कुछ आइटम्स हैं जो हमने ऑर्डर की हैं, कीमा वगैरह। हमारा नाश्ता आ चुका है, बच्चों ने अपने लिए ऑर्डर किया है केक और चॉकलेट मिल्क, बाकी सैंडविचेस हमने ऑर्डर किए थे, इसके अलावा हमने कीमा ऑर्डर किया है और अंडे वगैरह ऑर्डर किए हैं। केक केक ओ मरी क्या खाने। ऑर्डर तो हमने ऑमलेट किया था लेकिन इन लोगों ने हाफ फ्राई के ऊपर ही टमाटर प्याज डाल के हमको दे दिया है और ये चीज़ ऑमलेट था तो उसके ऊपर चीज़ डाल के दे दी है।